नमस्कार साथियों, मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं अपने YouTube चैनल पे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज ये बजरंग पुनिया के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, बजरंग पुनिया कौन है? बजरंग पुनिया क्या एक फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय हैं। ठीक है, तो ये कौन सा पदक जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं। आइए इनके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। भारत के पहलवान बजरंग पुनिया फ्री स्टाइल कुश्ती के खिलाड़ी हैं। ठीक है, पहला ये फ्री स्टाइल कुश्ती के खिलाड़ी हैं। दूसरा क्या पॉइंट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने क्या किया, कजाकिस्तान को 8-0 से हराया, मतलब कजाकिस्तान के खिलाड़ी को खाता तक नहीं खोलने दिया और 8-0 से उसको अच्छे तरीके से हराया। ठीक है दोस्तों, आइए उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म 26 फरवरी 1994 में हुआ था, मतलब 26 फरवरी 1994 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? हरियाणा के जज्जर में खुदान गांव के, मतलब जज्जर हरियाणा के खुदान गांव में। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, खुदान गांव हरियाणा में हुआ था। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक और वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप लोग जाके देखें दोस्तों, जो नीरज चोपड़ा के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो कि इस ओलंपिक में जो है कि गोल्ड मेडल दिलवाए हैं। और इन बजरंग पुनिया, देखिए बजरंग पुनिया के बारे में आ जाते हैं, तो बजरंग पुनिया भी हरियाणा से हैं और नीरज चोपड़ा भी कहाँ से थे? हरियाणा से थे और खुदान गांव से। पिता का नाम क्या है? बलवान सिंह पुनिया। पिता का नाम क्या था? बलवान सिंह पुनिया था। और माता का नाम क्या था? ओम प्यारी पुनिया था। बजरंग पुनिया की अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? बजरंग पुनिया को अर्जुन पुरस्कार 2015 मिला और 2019 में उनको कौन सा अवार्ड मिला? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। उनको कौन सा पुरस्कार मिला? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। ठीक है दोस्तों, उनके मुख्य कोच कौन थे? साको बेती नीरस कौन से इनके मुख्य कोच थे दोस्तों? ठीक है दोस्तों, आज ये देखते हैं कौन कौन से ये बचत पदक अभी तक जीत चुके हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में देखिए 2013 में बूडापेस्ट में कौन सा पदक जीते थे? कांस्य पदक जीते थे। 2018 में फिर बूडापेस्ट में हुआ तो कहाँ क्या जीते थे? रजत जीते थे। उसके बाद फिर 2019 में नूर सुल्तान में हुआ तो फिर कौन सा पदक जीते? कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए एशियन गेम्स में, आज एशियन गेम्स में 2014 इंचेन में हुआ था तो क्या जीते थे? रजत जीते थे। और 2018 में जकार्ता में जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें कौन सा क्या पदक जीते थे? स्वर्ण पदक उसमें जीते थे। कॉमनवेल्थ गेम, ध्यान दीजिएगा, कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने 2014 ग्लासगो में रजत जीता था और 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुआ था तो क्या जीते थे? स्वर्ण जीते थे। एशियन चैंपियनशिप, देखिए एशियन चैंपियनशिप में कई बार इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसको आप देखते हैं। 2013 से शुरू करते हैं, देखिए 2013 में जब उन्होंने न्यू दिल्ली में हुआ था तो कांस्य पदक जीते, 2014 में अस्थाना में हुआ तो रजत पदक जीते, 2017 में न्यू दिल्ली में हुआ तो स्वर्ण पदक जीते थे, 2017 में उन्होंने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। 2018 में बिश्केक में हुआ था तो क्या जीते थे? कांस्य जीते थे, जिसको हम ब्रॉन्ज मेडल भी कहते हैं। और 2019 में जियान में हुआ था तो स्वर्ण पदक जीते थे और 2020 में न्यू दिल्ली में फिर हुआ था तो रजत जीते थे और 2021 में अल्माइटी में हुआ था तो क्या जीते थे? रजत पदक जीते थे। इसी प्रकार से बजरंग पुनिया की सारी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।